चलो दोस्तों, आपको आज मैं मटन बनाना बताता हूँ। और इसमें ये मैंने मटन ले लिया है, बकरे का जो मीट होता है, आधी हाफ केजी है। देखिए, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और इसमें डालने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, मेनली जो प्याज लिया है, ये मैं ऑयल में फ्राई करने के लिए थोड़ा, बाकी ये है इसको मैं पीसने वाला हूँ। ये अदरक और लहसुन है, अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट भी ले सकते हैं पर वो इतना अच्छा नहीं रहता, आप छिलिए और उससे बनाइए, ज़्यादा ठीक है। टमाटर हैं और ये प्याज और मिर्ची है। और ये इसके लिए मैंने गरम मसाला यहाँ पे लिया हुआ है, आवश्यकता अनुसार अपन गरम मसाला डालेंगे। ये प्याज और मिर्ची जो है, इसका मैं मिक्स बनाने वाला हूँ, टमाटर का भी मिक्स बनाने वाला हूँ और इसका भी मिक्स बनाने वाला हूँ। ये मैं डायरेक्ट ऑयल में थोड़ा ब्राउन करने के लिए रखूँगा। ये अपना मीट है, हाफ के जी मीट के लिए मैं आज मटन बनाने वाला हूँ। और ये अपना कुकर अब रेडी है। इस कुकर के अंदर सबसे पहले साफ़ होना चाहिए ये, इसमें ऑयल डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन इस प्याज का और इस का मिक्स बना लेते हैं। आप अलग अलग मिक्स बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं अभी आज जो रेसिपी बनाने वाला हूँ कि जिससे फास्ट से फास्ट आप मटन बना सकें, और यह काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं आज इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करने वाला हूँ और इनका पेस्ट बनाने वाला हूँ। तो अभी इसको मिक्सी में डाल के मिक्स करते हैं। हाँ, इसमें मैंने मिक्सी के जार के अंदर प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक और सभी इसके अंदर डाली है। ये थोड़ी फास्ट रेसिपी है, फास्ट मटन बनाने का तरीका है। और इसको हम हल्का सा इसमें पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी में अपन ने इसको मिक्स कर लिया है। ये इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची, टमाटर, ये सब का मिक्स तैयार। अभी अपन दूसरी तरफ, मैंने मिर्ची ले ली है 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी है और लगभग 2 चम्मच धनिया है और उतना ही ये नमक अपने हिसाब से है, लगभग मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और ये मटन तैयार है, ये प्याज तैयार है। अभी अपन इसमें ऑयल डालते हैं। तो जो अपना मिर्ची, लहसुन, लाल मिर्ची और लहसुन, प्याज और नहीं, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया, नमक जो मिला के मैंने मिक्स रखा था, उसको मैं मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा पानी डाल के। ये एक इसका थोड़ी देर ये पड़ा रहेगा। ये जो मिर्ची, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, नमक जो डाल के मैंने इसका मिक्स बना लिया है। तो ये अब लगभग तैयार है। और अब अपन इसमें ऑयल डालने वाले हैं। ये गर्म हो चुका है, इसमें जो भी मॉइस्चर है अच्छी तरह इंश्योर कर लें कि इसके अंदर कोई भी पानी का वो नहीं रहना चाहिए। थोड़ा गर्म होने से, हीटअप होने से वो वेपर बन के निकल जाता है। उसके बाद में हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ये आप थोड़ा इसको तिरछा करके आइडिया लग जाएगा आपको। ये हाफ़ केजी के लिए मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि थोड़ा मेरे एरिया में ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब ये ऑयल में ये ध्यान रखें, जब इसमें से वेपर निकलने लग जाए और इसका कलर येलो से थोड़ा कलरलेस हो जाए, वाइट टाइप, यानी वाइट जैसा, पानी जैसा हो जाएगा, तब आप ध्यान रखिए। यह हल्का सा इंडिकेशन यही होता है कि जब वेपर निकलना स्टार्ट हो जाए तब उसको इसमें आप ऑयल डालें, नहीं इसमें जब उसके बाद में आप इसमें ऑनियन डालें। मैंने इतना ही ऑनियन इसके लिए रखा है, जो हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगा। बाकी सब ऑनियन मैंने इसमें मिक्सी में डाल दिया है। और साथ में ही इस ऑनियन के अपने गरम मसाला भी इसमें डालेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे, ऑनियन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद में हम मिर्ची इसमें डालेंगे। इसमें अब देख सकते हैं हल्की हल्की ये ऑयल की जो भाप है वो निकलने लगी है और कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब अपन इसमें प्याज डालेंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा गैस को थोड़ा कम रखें, क्योंकि जब एकदम जब ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसी टाइम आप यदि ये डालते हैं प्याज, तो ये एकदम जलने लग जाता है। थोड़ा सा इसका गैस को स्लो करें, उसके बाद में इसमें डालेंगे तो ठीक रहेगा। अभी मैंने ऑनियन डाल दिया है। इसमें ये ऑनियन जो है, ये प्याज जो है, ये थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक इसमें और कम आंच पे रखेंगे। उसके बाद में साथ में इसमें अपन ये जो एक तेज पत्ता डाल सकते हैं इसमें। देखिए अपन तेज पत्ता इसमें डाल देते हैं और दालचीनी डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दालचीनी डाल दिया है और इसमें एक लौंग या और इलायची, 2 लौंग और 2 इलायची आप डाल दीजिए। ये इसमें ये लौंग और इलायची डाल देते हैं। अब इसके बाद में इसमें अब ये प्याज अपना थोड़ा ब्राउन हो गया है, ये इसमें अपन ने मिर्ची और ये इसमें डाल दिया था। तो अब जब तक ये इसमें जाली जैसी ना पड़ जाए मिर्ची के अंदर और ऑयल अलग हो जाएगा और इसमें जैसे थोड़ा जो है मिर्ची का जो मिक्स है वो फटाफटा सा नज़र आएगा, उसके बाद में अपन दूसरी चीज़ें डालेंगे। जब तक इसको पकने देंगे, मिर्ची पकना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर आप अच्छे से ध्यान दे के करें, क्योंकि मिर्ची जब ये मिर्ची और नमक हल्दी इनका जो पेस्ट डाला है वो जब तक चलने दें जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए और जो मिर्ची और इनका है ये एक जाली के रूप में फटने जैसा हो जाए, तब तक इसको करें। ये जो हमारा टमाटर प्याज मिर्ची, इससे क्या है जो ग्रेवी बनती है वो थोड़ी हैवी बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने मिक्स किया है। अदरवाइज़ इसके दूसरे तरीके भी हैं जिनमें अलग अलग तरीके से प्याज और इनको अलग मिक्स करके सारा प्याज उसके अंदर डाल के अलग अलग तरीके से, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पर इसमें यही है कि मैंने जो सिंपल तरीका बताया है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे अभी देखिए अपनी मिर्ची लगभग तैयार हो रही है, अभी थोड़ा सा वो आँच थोड़ा गैस को स्लो रखें, थोड़ा स्लो करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी। ऑयल देखिए अब थोड़ा ऑयल अलग हो रहा है, बट वो मिर्ची और उसका पेस्ट में एक जाली जैसी और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको थोड़ा फटाफटा सा नज़र आना चाहिए। तो उसके बाद में अपन उसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये लगभग तैयार है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि अभी ये इसमें मिर्ची पक गई है या नहीं है। अब इसको स्लो करते हैं, स्लो करने के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए आपको साफ दिखेगा कि ये जो मिर्ची और इसका ये अलग अलग फट चुका है, तो इससे आपको और ऑयल है वो अलग है। ये देखिए तो इससे आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें तैयार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ, अब इसमें जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसमें डालेंगे। ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दिया गया, थोड़ा सा धो के हल्का सा बोल ले। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। मैं चम्मच की बजाय कुकर को ही हिला देता हूँ कई बार, तो इससे मिक्स हो जाता है अच्छे से। दोनों राउंड में आप कर दोगे तो ये आपका मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप 2 या 3 मिनट के लिए पकने दें। 2 मिनट पकने देंगे तो भी काफ़ी है। उसके बाद में इसमें मटन डाला जाएगा, जो मटन अपना तैयार है, और उस मटन को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये मैंने इसमें मीट डाल दिया है लगभग ये। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे, और मैं तो नॉर्मली इसी से मिक्स कर देता हूँ कुकर को, एक चम्मच ले जाना। तो अब ये लगभग तैयार है। अब इसमें पानी उतना ही डालें जितना आपको ग्रेवी चाहिए, मैं नॉर्मली कम ही डालता हूँ। तो अब ये तैयार है, इसको बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी इसमें लगने देंगे। फिर बनने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये तैयार है लगभग। ये तैयार है, मैं आपको बनने के बाद में दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा पानी डालूंगा अभी, पानी लेकर। अभी अपन ने इसको बंद कर दिया है, तो इसमें 5 या 6 सीटियाँ लगने के बाद में, क्योंकि मटन है थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लगानी ज़रूरी होती है अच्छे से पकने के लिए। और उसके बाद में इसमें ओपन करने के बाद में इसको हरा धनिया इसमें डालेंगे।